हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से घर पे बहुत आसानी से दही जमा सकते हैं। इसे बनाना बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप घर पे बिल्कुल मार्केट जैसी दही बना सकते हैं। एक ख़ास बात और है इस दही की कि यह बिल्कुल फ्रेश होगी। अगर आप इसे घर पे तैयार करेंगे तो कोई मिलावट भी नहीं होगी और बिल्कुल फ्रेश दही बनकर तैयार हो जाएगी। इसे बनाना बहुत सिंपल है, जितने मैंने स्टेप्स बताए हैं वो फॉलो करें तो घर पर आपकी दही बहुत अच्छी बनेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध ले रही हूँ। मैं पैकेट वाली दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास नॉर्मल दूध है आप उससे भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक पतीला लेंगे इस तरीके का और इस पर हमें थोड़ा सा लगभग 2 बड़ा चम्मच पानी डालना है और उसके बाद हम इसे गैस ऑन कर देंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि दूध नीचे जमे ना और ये उबल कर बाहर ना गिरे। तो यहाँ पर हम इसमें दूध ऐड कर देंगे और दूध ऐड करने के बाद हमें इसे गर्म होने देना है, एक उबाल आने देंगे, उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हमें इसे लगातार इस तरीके से चलाना है और जब तक इसमें उबाल आ जाए तब तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक उबाल आ चुका है, गैस ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। अब हमें इसे चेक करनी है कि ये बिल्कुल सही है या नहीं। थोड़ा सा हम अपने हथेली के ऊपरी हिस्से पर दूध लेंगे और इस तरीके से उसे टच कर लें। अगर ये स्किन आपकी बियर कर सकती है, सह सकती है, इसका मतलब है ये दूध रेडी है। या फिर आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें, इसे डुबो कर देखें। अगर इसमें जलन नहीं हो रही, थोड़ा सा ठंडा कर लें इसे। थोड़ी ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा ठंडा कर लें और उसके बाद इसमें हम जामुन डालेंगे। मैंने इसे चेक कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी है दूध। तो यहाँ पे हम इसमें जामुन डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच और इसे हमें छोड़ना है लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। बिल्कुल 2 से 3 घंटे के अंदर ये दही रेडी हो जाएगी। अब जामुन डालने के बाद हमें इसे लगभग 15 से 20 बार एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। इस तरीके से हम इसे घुमा लेंगे ताकि जो भी जामुन हमने डाला है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और बस ये रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें इसे ढककर छोड़ना है लगभग 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे आप इसे छोड़ दें, 3 घंटे के बाद चेक कर लें। 3 घंटे हो चुके हैं, अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ एक बार। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दही बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल जमा हुआ है अच्छे से, जो मार्केट में दही मिलती है बिल्कुल उसके तरह ही है। और एक ख़ास बात यह है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश दही आप घर पे तैयार कर सकते हैं। अब मैं स्पून से दिखाती हूँ आपको कि ये कितना बढ़िया जमा है। इस तरीके से ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएँ कि आपकी दही कैसी बनी है। मैंने इसे पैकेट वाले दूध से तैयार किया था तो इतनी बढ़िया दही बनकर तैयार हो चुकी है। 1 लीटर आप दूध ले लें और उसमें इसे तैयार करें तो बहुत अच्छी बन जाएगी। और जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं वो फॉलो करें तो उससे भी बहुत अच्छी दही बनेगी। अगली वीडियो में मैं आपको लस्सी बताऊँगी जो आप गुड़ की लस्सी घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत सिंपली तैयार कर सकते हैं। दही की काफ़ी सारी डिशेस बनाई जाती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत होती है और दही घर पे होता नहीं है, तो आप बहुत आसानी से बिल्कुल 2 से 3 घंटे के अंदर ये दही बनाकर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस रेसिपी को एंजॉय किया। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताएँ कॉमेंट में। और अगर इस रेसिपी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हुई हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और जितनी भी सारी रेसिपीज़ हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अगली वीडियो में जल्द मिलूंगी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।